हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज हम सिंथेसिस को ही कंटिन्यू करेंगे। हमारा सिंथेसिस का चैप्टर चल रहा है, हम उसी को कंटिन्यू करते हुए उसका सेकंड रूल सेकंड पार्ट यानी कि टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके ट्रिक्स को और टिप्स को समझेंगे। मैंने सिंथेसिस के फर्स्ट पार्ट में आपको टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस से वन सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया था। आज मैं सेकंड पार्ट में आपको टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। अब आप कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। मैंने सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीनों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स, उनके रूल्स और इनके एग्जांपल्स की वीडियोस अपलोड पहले कर रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं। उससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपको उसको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस मीन्स होता है टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। अब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो होती हैं, यानी कि ऐसी क्लॉजेस जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए खुद पर डिपेंड होती हैं, वो उनका मीनिंग, उनका अर्थ कंप्लीट होता है, फुल होता है, यानी कि वो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं होती हैं। ऐसी क्लॉजेस को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब टू या मोर देन टू, यानी कि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दी हुई हैं सेंटेंस में, उनको हम अगर जोड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को ही यूज़ करते हैं। क्लॉजेस जो होती हैं, टू हैं या मोर देन टू हैं, उन क्लॉजेस को जब हम जोड़ते हैं तो जिन हम ज्वाइनिंग वर्ड्स से हम उनको जोड़ते हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को जब हम बीच में ऐड करते हैं तो वो क्लॉजेस जुड़ जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं और कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस टू टाइप्स होते हैं, सिंगल वर्ड कंजक्शंस यानी कि एक वर्ड वाले कंजक्शंस और मल्टी वर्ड यानी पेयर्ड कंजक्शंस, यानी पेयर में जिनको हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं ऐसे कंजक्शंस। अब सिंगल वर्ड कंजक्शंस में एक तो आपके फैन बॉयज होते हैं। फैन बॉयज क्या होता है, फैन बॉयज आपको कंजक्शंस को याद करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एक बहुत ही इजी ट्रिक है। कैसे, अब फैन बॉयज क्या है, आपके कंजक्शंस का फर्स्ट लेटर है, यानी कि एफ से फॉर, ए से एन, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट एंड एस से सो। ऐसे आपको लर्न करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप इनकी फर्स्ट लेटर को ज्वाइन कर लेंगे तो फैन बॉयज बन जाएगा, जिससे आपको ये कंजक्शंस लर्न हो जाएंगे। एक तो आपके हो गए फैन बॉयज, इनको हम यूज़ करते हैं क्लॉजेस को ऐड करने में तो हमारे कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ दो तीन कंजक्शंस और होते हैं, सिंगल वर्ड कंजक्शंस यानी कि स्टिल है, एल्स है, अदरवाइज है, इनको भी हम एज अ कंजक्शन यूज करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, फॉर माने क्या होता है, क्योंकि या फिर इसलिए के सेंस में भी यूज करते हैं, एंड माने और होता है, नॉर माने ना ही होता है, बट माने लेकिन, और माने या, येट माने फिर भी, सो माने इसलिए, स्टिल माने भी फिर भी के सेंस में ही आता है, एल्स या अदरवाइज इसका यूज हम करते हैं अन्यथा के रूप में, अन्यथा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंजक्शंस आपके हो गए सिंगल वर्ड कंजक्शंस, ये आपके फैन बॉयज थे और ये कुछ एक्स्ट्रा कंजक्शंस थे जिनको हम यूज करते हैं एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट आपके हैं मल्टी वर्ड यानी कि पेयर्ड कंजक्शंस, यानी कि जिनको हम पेयर में यूज करते हैं एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड एक साथ यूज करते हैं ऐसे ही, और हार्डली और वैन को एक साथ यूज करते हैं। अब हम इन कंजक्शंस का यूज करके, सिंगल वर्ड हो चाहे मल्टी वर्ड हो, ठीक है, इन कंजक्शंस का हम यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो उनको हम कैसे जोड़ें, कौन से कंजक्शंस का हम यूज करें जिससे हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाए। अब हम सबसे पहले सिंगल वर्ड कंजक्शन से
सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब हमारे जैसे फर्स्ट सेंटेंस में टू सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं, दे रीच्ड इन टाइम, दे बॉट टिकट। ठीक है, दे रीच्ड इन टाइम, वे टाइम पर पहुंचे, दे बॉट टिकट, उन्होंने टिकट खरीद लिया। अब यहाँ पर सेंस किसका आ रहा है, इन आपके इन सिंगल वर्ड कंजक्शंस में से आपका सेंस किसका आ रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर आपके दो काम, दो एक्शंस का एडिशन हो रहा है, यानी कि वो पहले पहुंचे देन उन्होंने टिकट खरीदा। ठीक है, जब एडिशन का आपका सेंस आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ हम एंड का यूज कर सकते हैं, दे रीच्ड इन टाइम एंड बॉट टिकट, दे reached in time and bought ticket। ठीक है, अब यहां पर हम दे और दे कॉमन है सब्जेक्ट, इसलिए हम दोबारा से अगेन दे का यूज नहीं करेंगे। दे रीच्ड इन टाइम एंड बॉट टिकट, जब दो एक्शंस का यहां पर एडिशन हो रहा है, दो काम हो रहे हैं लगातार, तो यहां पर हम एंड का यूज सुटेबल है। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज नॉट देयर, वो वहां नहीं था। ही नोज अबाउट द इंसिडेंट, वो इंसिडेंट के बारे में जानता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दोनों में अपोजिशन है, विरोध है, कि वो वहां पर नहीं था लेकिन वो वहां इंसिडेंट के बारे में, उस घटना के बारे में जानता है। अब लेकिन का सेंस आया क्योंकि दोनों में क्या है, अपोजिशन है, विरोध का भाव शो हो रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, ही वॉज नॉट देयर but knows about the incident। ठीक है, he was not there, वो वहां नहीं था, but knows about the incident, लेकिन वो incident के बारे में जानता है। next है हमारा he got a promotion, he is not happy। ठीक है, उसको promotion मिला, वो happy नहीं है। अब इसमें भी आपका अपोजिशन यानी कि विरोध शो हो रहा है, यानी कि विरोधाभास हो रहा है, कि उसको प्रमोशन मिला, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, पॉजिटिव सेंस हुआ। ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है, कि आपका नेगेटिव सेंस हुआ, यानी कि दोनों में विरोध का भाव शो हो रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है, कि वह उसको प्रमोशन मिला फिर भी वो खुश नहीं है, फिर भी का सेंस आ रहा है। ठीक है, ही गॉट अ प्रमोशन, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं, ही गॉट अ प्रमोशन येट ही इज नॉट हैप्पी, फिर भी वो हैप्पी नहीं है, ही गॉट अ प्रमोशन येट ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, तो यानी कि हमने यहां पर फिर भी का सेंस लगाया और यहां पर अपोजिशन, विरोध का भाव शो हो रहा था, इसलिए यहाँ पर दोनों का सेंस डिफरेंट था, एक पॉजिटिव सेंस था, एक आपका नेगेटिव सेंस था। नेक्स्ट देखिए, ही इज नॉट वेल, ही हैज अप्लाइड फॉर लीव, ही इज नॉट वेल, वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है, यानी कि वो स्वस्थ नहीं है। ही हैज अप्लाइड फॉर लीव, उसने लीव के लिए अप्लाई किया, छुट्टी के लिए अप्लाई किया, यानी कि पहले कंडीशन दी है देन उसका रिजल्ट दिया है, तो यानी हम यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है, कि ही इज नॉट वेल, वो सही नहीं है, इसलिए उसने लीव के लिए अप्लाई किया। इसलिए के सेंस में हम क्या लगाते हैं, सो ही इज नॉट वेल, सो ही has applied for leave। आया, क्लियर हुआ, देखिए आपका ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया, दो सिंपल सेंटेंसेस से हमने कंपाउंड बना दिया, he is not well, so he has applied for leave। नेक्स्ट देखिए, hurry up, you will miss the school bus, जल्दी करो अन्यथा तुम स्कूल बस को मिस कर दोगे, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है, या तो जल्दी करो, अगर जल्दी नहीं करोगे तो स्कूल बस मिस हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका चॉइस या ऑप्शन शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, और, हरी अप और यू विल मिस द स्कूल बस, या हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द, हम इसमें और या अदरवाइज दोनों यूज कर सकते हैं। देखिए, हरी अप और You will miss the school bus। यहाँ पर आपका चॉइस है, यानी ऑप्शन दिया है कि हरी अप, जल्दी करो, फास्ट करो, अन्यथा तुम स्कूल की बस मिस कर दोगे, या तुम स्कूल की बस मिस कर दोगे, और या अदरवाइज हम दोनों यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बेटर पुट द रूम इन ऑर्डर, बेटर पुट द रूम इन ऑर्डर,
अच्छा होगा कि रूम को तुम ऑर्डर में कर दो, बिल्कुल सही साफ सुथरा कर दो. फादर इज गोइंग टू बी एंग्री. फादर गुस्सा होने वाले हैं, एंग्री होने वाले हैं. अभी आपके टू सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनको हमको जोड़ना है. तो इसमें सेंस किसका आ रहा है? इसमें आपका सेंस आ रहा है अन्यथा क्या होगा? फादर इज गोइंग टू बी एंग्री. फादर गुस्सा होने वाले हैं. अच्छा होगा कि रूम को तुम ऑर्डर में कर दो. क्या यूज करेंगे? एल्स. बेटर पुट द रूम इन ऑर्डर एल्स अन्यथा फादर, इसमें भी चॉइस है, फादर इज गोइंग टू बी एंग्री. यानी कि अगर तुम रूम ऑर्डर में नहीं करोगे तो फादर गुस्सा हो जाएंगे. यानी चॉइस दी है, या तो तुम रूम को सही कर दो या फिर फादर का गुस्सा झेलो. तो यहाँ पर दोनों में ऑप्शन या चॉइस दी हुई है, तो हमने यहाँ पर एल्स का यूज किया. एल्स माने अन्यथा होता है, अन्यथा फादर एंग्री हो जाएंगे. आई वॉर्न हिम ऑफ द रिस्क. मैंने उसको रिस्क के लिए वॉर्न किया था. ही डिसाइडेड टू गो. फिर भी उसने डिसाइड किया जाना. यानी दोनों में क्या है? दोनों में इसमें भी विरोधाभास हो रहा है कि ही आई वॉर्न हिम ऑफ द रिस्क. मैंने उसको रिस्क के लिए वॉर्न किया था, चेतावनी दी थी. ही डिसाइडेड टू गो, उसने जाना डिसाइड कर लिया. यानी इसमें भी आपका विरोध का भाव शो हो रहा है. तो इसमें हम स्टिल लगा सकते हैं. ठीक है, स्टिल माने भी फिर भी होता है, येट माने फिर भी होता है. तो हम क्या यूज करेंगे? आई वॉर्न हिम ऑफ द रिस्क स्टिल, फिर भी ही डिसाइडेड. चेतावनी मतलब सेंस क्या हुआ कि चेतावनी देने के बाद भी, वॉर्न करने के बावजूद भी उसने जाना डिसाइड किया. ही डिसाइड स्टिल डिसाइड टू गो. ओके, नेक्स्ट देखिए. ही इज एब्सेंट टुडे, वो आज एब्सेंट है. अब यहाँ क्या शो कर रहे हैं? रीजन की वो क्यों एब्सेंट है? क्योंकि ही इज गोइंग आउट ऑफ स्टेशन. वो स्टेशन आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है, बाहर कहीं जा रहा है. तो हम रीजन के लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पर? क्योंकि के लिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बिकॉज का यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम कोऑर्डिनेटिंग में हम फॉर का यूज करते हैं. फॉर का सेंस भी क्योंकि के में आता है. ही इज, अब कैसे बनेगा? ही इज एब्सेंट टुडे फॉर ही इज Going out of station. Okay, he is absent today for he is going out of station. ये आपका for का sense या क्योंकि के sense में आया. जैसे हम लोग complex में लगाते हैं because का use करते हैं, ऐसे ही हम coordinating conjunction में for का use करते हैं. अब last sentence देखिए. You can't meet her without an appointment. तुम बिना अपॉइंटमेंट के उससे नहीं मिल सकते हो. यू कैन नॉट कॉल हर डायरेक्टली, तुम उसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हो. यानी कि अब इसमें क्या है? इसमें आपके दो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इसमें हम नॉर का यूज कर सकते हैं. ठीक है, नॉर माने ना ही. जैसे आपका पेयर्ड में यूज करते हैं नाइदर नॉर, तो इसमें हम सिंगल नॉर का भी यूज कर सकते हैं. कैसे यूज करेंगे? नॉर का मीन्स होता है ना ही. तो क्या यूज करेंगे? यू कैन नॉट मीट हर विदाउट एन अपॉइंटमेंट. नॉर के बाद हम यू कैन नॉट को काट देंगे. नॉर कॉल हर डायरेक्टली, ना ही तुम कॉल कर सकते हो डायरेक्टली. नॉर कॉल हर डायरेक्टली. ठीक है, हम नॉर लगा के भी, केवल सिंगल नॉर लगा के भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं. यू कांट मीट हर विदाउट एन अपॉइंटमेंट, नॉर कॉल हर डायरेक्टली, और ना ही तुम उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो. ये आपके थे सिंगल वर्ड कंजक्शंस. अब हम देखते हैं मल्टी वर्ड कनेक्टर्स का हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे और टू सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे. ये कौन कौन से होते हैं? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड. ये आपके कॉमनली यूज आपके पेयर्ड कंजक्शंस हैं. अब देखिए, गिव मी बैक माय बुक, आई एम गोइंग टू द प्रिंसिपल. अब इस सेंटेंस में देखिए क्या शो हो रहा है कि मेरी बुक वापस कर दो. आई एम गोइंग टू द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल के पास जा रहा हूँ. यानी कि या तो मेरी बुक वापस कर दो या मैं प्रिंसिपल के पास जा रहा हूँ.
यानी ऑप्शन शो हो रहा है इसमें, चॉइस हो रही है कि या तो ऐसा कर दो या फिर मैं प्रिंसिपल के पास जा रहा हूं। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे इनमें से, आइदर और, यानी कि आइदर गिव मी बैक माई बुक और आई एम गोइंग टू द प्रिंसिपल। ठीक है, या तो मेरी बुक वापस कर दो या मैं प्रिंसिपल के पास जा रहा हूं। गिव आइदर गिव मी बैक माई बुक और आई एम गोइंग टू द प्रिंसिपल। सेकेंड सेंटेंस है, ही डिड नॉट स्पीक टू मी, ही डिड नॉट हेल्प मी। अब देखिए, उसने वो मुझसे नहीं बोला, उसने मेरी हेल्प नहीं की, दोनों सेंटेंस नेगेटिव हैं, तो दोनों एक्शंस जो हो रहे हैं दोनों नेगेटिव सेंस में होने की वजह से हम कौन सा यूज करेंगे, नाइदर नॉर, क्योंकि नाइदर नॉर को हम नेगेटिव सेंस में ही यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे, ही नाइदर स्पोक हो जाएगा, स्पीक का स्पोक, क्योंकि हम डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे, इसलिए स्पीक का हम सेकेंड फॉर्म स्पोक ले आएंगे। ही नाइदर स्पोक टू मी नॉर, यहां पर हेल्प्ड हो जाएगा, यहां पर हेल्प की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, हेल्प्ड मी, क्योंकि हम डिड नॉट का यहां भी यूज नहीं करेंगे। ही नाइदर स्पोक टू मी नॉर हेल्प मी। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंस बन गया और इसमें हमने डिड नॉट का यूज नहीं करना है क्योंकि नाइदर नॉर ही नेगेटिव सेंस देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी फिनिश्ड ऑल द चॉकलेट्स, शी एट ऑल द बिस्किट्स। अब इन दो सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में दो काम हो रहे हैं, दो एक्शन हो रहे हैं कि उसने ना केवल चॉकलेट्स फिनिश करी बल्कि उसने सारे बिस्किट्स भी खा लिए। इस सेंस में हम नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाएंगे तो वो सूटेबल कंजक्शन होगा। कैसे हम यूज करेंगे, शी नॉट ओनली फिनिश्ड ऑल द चॉकलेट्स बट ऑल्सो एट ऑल द बिस्किट्स। इस तरीके से हमने कंपाउंड सेंटेंस बना लिया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग। वो इंटेलिजेंट है, वो हार्ड वर्किंग, यानी कि दोनों क्वालिटीज ही सब्जेक्ट कॉमन है। ठीक है, दोनों में ही कॉमन है और एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज दी हुई, यानी कि वो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग दोनों है। बोथ के सेंस में हम बोथ और एंड का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट की क्वालिटीज है तो हम इसको बोथ और एंड से जोड़ेंगे, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। इस तरीके से हमने मल्टी वर्ड कंजक्शंस यानी पेयर्ड कंजक्शंस का यूज करके दो सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। अब आपको मेरे इस सिंपल एक्सप्लेनेशन और इजी एग्जांपल से, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना बहुत इजीली आ गया होगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।